को दुबई अपने पिछले 75 सालों की हिस्ट्री में ऐसी मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। यूं तो वैसे दुबई विश्व के उन गिने चुने देशों में आता है जहां बारिश बहुत कम यानी 9 के बराबर हुआ करती है, लेकिन इस साल अचानक से देखते ही देखते 17 अप्रैल की शाम को पूरी दुबई घने बादल में समा गई। अभी लोग घने बादल की तरफ देख ही रहे थे कि बहुत जोर से गरज के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश को ऐसा बरसता देख दुबई के लोग काफी खुश हो गए, क्योंकि दुबई में अमूमन इतना मूसलाधार बारिश होती रही थी, लेकिन दुबई वाले को ये कहां पता था कि कल यही बारिश उनके लिए आफत बन जाएगी। वैसे तो पूरे दुबई में ईयरली औसतन 100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन उस दिन सिर्फ 24 घंटों में 250 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। यानी कि पूरे साल में दुबई में जितनी बारिश होती थी ऑलमोस्ट उसके डबल से भी ज्यादा बारिश सिर्फ 24 घंटों में हुई, जिसके कारण दुनिया की ये ग्लोबल सिटी कहे जाने वाली दुबई पूरी तरह से पानी में डूबती नजर आने लगी। चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हो या फिर दुबई की ये आलीशान सड़कें, सब के सब पानी में डूब सी गई। बारिश के पानी में दुबई को इस तरह से डूबता देख पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। और एक बार फिर से इसी के साथ क्लाइमेट चेंज पर बहस होनी तेज हो गई, क्योंकि दुबई में हुई अचानक से इतने सारे बारिश के पीछे रिसर्चर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर कुछ लोग इस बारिश के पीछे की वजह क्लाउड सीडिंग को मान रहे हैं। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुबई पिछले साल गर्मी से राहत पाने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बारिश का क्लाउड सीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। खैर इसकी वजह जो भी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरे विश्व भर में जो क्लाइमेट के बदलते रूप देखे गए हैं वो काफी चिंतनीय हैं, और इसके लिए अब समय आ गया है कि सारे विश्व को मिलकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वैसे दुबई में हुई इस मूसलाधार बारिश के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।